नमस्कार, आपका स्वागत है हमारे जीवन आयुर्वेदा में। चलिए आज हम बात करेंगे कि हमारा ब्रेन किस तरीके से काम करता है। ब्रेन यानी कि हमारा जो दिमाग है ये किस तरीके से काम करता है, हम इस पर चर्चा करेंगे। दोस्तों, किसी का दिमाग फास्ट चलता है तो किसी का दिमाग स्लो चलता है। हमारा दिमाग हमारे शरीर के अनुसार मात्र 2% ही हिस्सा होता है। हमारा दिमाग 1.5 किलो के आसपास होता है। हमारा दिमाग हमारे शरीर के एनर्जी का 20% यूज अकेले कर लेता है। हमारा दिमाग 70% पानी से मिलकर बना है, यानी कि हमारे दिमाग में 70% पानी ही होता है। हमारा दिमाग छोटी छोटी कोशिकाओं से यानी सेल से मिलकर बना होता है। इन मेन सेल्स को न्यूरॉन बोलते हैं। इस न्यूरॉन सेल में सबसे आगे सेल बॉडी होता है। इस सेल बॉडी के बाहर बहुत सारे शाखाएं निकले रहती हैं। इन शाखाओं को डेंड्राइट कहते हैं। एक्सोन के बाहर ही एक्सोन के बाहर भी जो शाखाएं निकली रहती है जिसे हम एक्सोन टर्मिनल कहते हैं। इस तरह से सारे न्यूरॉन दूसरे से जुड़े हुए रहते हैं। हमारे शरीर में 5 ज्ञान इंद्रियां हैं, आंख, कान, जीभ और नाक और हमारे स्किन। इसी 5 ज्ञान इंद्रियों की वजह से बाहर की चीज का ज्ञान होता है। जब ये 5 सेल्स ऑर्गन्स किसी चीज को सेंस करते हैं तब ये एक इलेक्ट्रिक सिग्नल बनाते हैं। तब ये इलेक्ट्रिक सिग्नल यानी दिमाग की तंत्रिका से होकर दिमाग तक पहुंचते हैं। ये इलेक्ट्रिक सिग्नल दिमाग में पहुंचने के बाद एक न्यूरॉन से दूसरे न्यूरॉन्स के माध्यम से होते हुए दिमाग के उस हिस्से तक पहुंचते हैं जहां तक इसके लिए स्थान बना हुआ है। तब जाकर बाहर का चीज का ज्ञान होता है। हमारे दिमाग में 3 अरब न्यूरॉन्स बने होते हैं। कहा जाता है कि जिस इंसान के दिमाग में जितना न्यूरॉन्स होते हैं वह इंसान उतना ही इंटेलिजेंट यानी कि तेज होता है, बुद्धि वाला होता है। किसी मंद बुद्धि वाले लोग के अपेक्षा किसी चालाक के दिमाग में ज्यादा न्यूरॉन्स होते हैं। दोस्तों, आज हम बात करेंगे कि हमारे दिमाग में कितने भाग होते हैं और इनका क्या क्या काम होते हैं। हमारे शरीर में 2 हिस्से होते हैं, लेफ्ट और राइट। उसी तरह हमारे दिमाग में भी 2 हिस्से होते हैं, लेफ्ट और राइट। ये हमारा दिमाग एक दूसरे के विपरीत काम करता है, यानी कि हमारा जो दिमाग है लेफ्ट से काम करते हैं तो ये हमारे राइट वाला जो दिमाग है उसको मेंटेनेंस करके रखता है। और जब हम लेफ्ट वाले से काम करते हैं तो ये हमारा दिमाग राइट वाला मेंटेनेंस करके रखता है। यानी कि जब हम लेफ्ट हैंड से काम करते हैं तो ये हमारा राइट हैंड जो है, राइट हैंड का जो ब्रेन है वो उसको मेंटेनेंस करके रखता है। जब हम राइट हैंड वाले दिमाग से हम काम करते हैं तो लेफ्ट वाला जो दिमाग है उसको एब्जॉर्ब करके यानी मेंटेनेंस करके रखता है। यानी कि लेफ्ट वाला दिमाग हमारे राइट वाले दिमाग पे काम करता है और राइट वाला दिमाग हमारे लेफ्ट वाले दिमाग पे काम करता है। यानी ये एक दूसरे के विपरीत काम करते हैं। दोस्तों, एक और बात बता दूं कि जब हम लेफ्ट वाले अंग से कोई भी काम करते हैं तो उस समय हमारा राइट वाला ब्रेन काम करता है। जब हम राइट वाले अंग से काम करते हैं तो उस समय हमारा लेफ्ट वाला दिमाग काम करता है, दिमाग कंट्रोल करता है। हमारा दिमाग 3 भागों में बटा गया है। फोर ब्रेन यानी कि सबसे ऊपर वाला भाग, दूसरा मिड ब्रेन यानी कि दिमाग का अंदर वाला भाग और तीसरा है हाइंड ब्रेन यानी कि ये दिमाग का सबसे पीछे वाला भाग। दिमाग के सबसे ऊपर वाले भाग को सेरिब्रम को बोलते हैं। ब्रेन और ब्रेन के दोनों भाग को थैलेमस और हाइपोथैलेमस बोलते हैं। दिमाग के सेरिब्रम के चारों तरफ, दिमाग के सेरिब्रम को 4 हिस्सों में बांटा गया है। पहला है फ्रंटल लोब, दूसरा है पैराइटल लोब, तीसरा है ऑक्सीपिटल लोब और चौथा है टेम्पोरल लोब। इसके सबसे आगे वाला हिस्सा है फ्रंटल लोब। जब हम किसी भी काम को सोचते हैं, डिसीजन लेते हैं, दिमाग का यही हिस्सा हमारे शरीर के मांसपेशियों को कंट्रोल करके रखता है। और जो हमारे दिमाग का बीच वाला हिस्सा है पैराइटल लोब, जो हमारे शरीर में कहीं भी दर्द होता है उसको हमको अनुभव कराता है।
और हमारे दिमाग का सबसे पिछला वाला हिस्सा है ऑक्सिपिटल लोब। इसी ऑक्सिपिटल लोब से हम दुनिया के हरेक रंगों को पहचान पाते हैं। और अब है हमारे दिमाग के दोनों साइड के हिस्से टेम्परेरल लोब, जिसकी वजह से हम कुछ भी सुन पाते हैं और कोई भी चीज देख पाते हैं। फ्रूट ब्रेन के दो पार्ट होते हैं, पहला थैलेमस और दूसरा हाइपोथैलेमस, जो सेरेब्रम के नीचे होता है। थैलेमस हमारे शरीर के बाहर के टेम्परेचर के बारे में बताता है, तापमान कितना है, कैसे है, ये ज्ञान हमें कराता है। गर्मी कितना है, ठंडा कितना है, ये हम थैलेमस के वजह से जान पाते हैं। हाइपोथैलेमस हमारे शरीर के अंदर के तापमान को बताता है, यानी कि जब हम अपने शरीर के अंदर महसूस करते हैं कि गर्मी है कि ठंडी, वो हमको हाइपोथैलेमस ज्ञान कराता है। तो दोस्तों, यदि हमारे वीडियो आप लोगों को अच्छा लगा होगा तो प्लीज हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब कीजिएगा, ताकि ऐसे ऐसे एडवर्टाइज आप लोगों को पहुंचता रहे। धन्यवाद।